and also read the upper side of chart for better experience. And use three syringes. Yes, start. Three syringes of this control to up. First, up and first rotate to 90 degrees. Second, up and down. And third is close to cross. अस्सलाम वालेकुम आदाब। जो आज हम बताने वाले नेशनल इंग्लिश स्कूल में जो प्रोग्राम तो साइंस एग्जीबिशन का प्रोग्राम हुआ, तो इसी में तमाम लोग जहां मौजूद थे। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम बच्चों ने बहुत लगन से और बहुत मेहनत से किए। पुलिस स्टेशन के एपीआई साहब भी नजर आ रहे। तो इसी तरीके से आपको एक समाज सेवा चैनल है अजंता न्यूज़ पे, तो बच्चों के हौसला अफजाई के लिए हमने बहुत ही बेहतरीन वीडियो लाए आपके लिए। तो इसी में पूरी मुकम्मल मालूमात देंगे हम वीडियो के अंदर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर। तो वीडियो आपसे मेरी बिल्कुल ये रिक्वेस्ट है भाई कि लास्ट तक देखना चाहिए वीडियो। एक वीडियो हमने पहले अपलोड करे और ये दूसरा पार्ट है उसका। इंग्लिश स्कूल के स्टाफ के तमाम लोग मौजूद हैं, तो एपीआई सबसे भी बात करने वाले इसी प्रोजेक्ट के बारे में। जो साइंस एग्जीबिशन का जो प्रोग्राम हुआ, जो बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे बेहतरीन जो मॉडल बनाए, तो उसी के बारे में हम बात करने वाले एपीआई साहब से। अजंता पुलिस स्टेशन के जो एपीआई साहब है उनसे भी बात करने वाले। तो वीडियो लास्ट तक देखना चाहिए, बहुत खास वीडियो है। सामने नजर आ अजंता पुलिस स्टेशन के एपीआई साहब का सत्कार करते हुए नजर आ रहे तमाम स्टाफ के लोग जो, और बच्चे की हौसला अफजाई के लिए जो बहुत बेहतरीन अंदाज में, जो बहुत ही लगन से और बहुत ही मेहनत से जो, और उसी के बारे में हम बताने वाले। तो भाई मेरे आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है, ये बहुत खास वीडियो है, बहुत मेहनत से और बहुत लगन से वीडियो बनाया हमने। तो आज अजंता शहर में खैरो निसा उर्दू स्कूल और नेशनल इंग्लिश स्कूल, यहाँ पे साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया है। यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी विद्यार्थिनी इन्होंने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया और उसमें अपने साइंस एग्जीबिशन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उसमें टीचर्स और बच्चों ने बहुत सारी मेहनत की और बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर आयोजन किया है। हमने एग्जीबिशन देखा, उनके सब माहिती उन्होंने हमने जो ये किया प्रेजेंटेशन किया बहुत अच्छे तरीके से किया है। हमने उनको आगे के भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं दी है, ऐसे ही आगे भी काम करेंगे, इसलिए हम उसको शुभेच्छा देते हैं। गुड आफ्टरनून सर, मी यस संजय जाधव आणि हे माझे मित्र मंडळी। मी आज तुम्हाला डिऑक्सिजनेटेड आणि ऑक्सिजनेटेडच्या बारेमध्ये सांगणार आहे। डिऑक्सिजनेटेड म्हणजे ज्याच्यामध्ये कार्बन डायऑक्साइड जास्त असते, जे वेन कलेक्ट करून आपले हृदयापासून तर आपले लंग्सपर्यंत घेऊन जातात। आणि ऑक्सिजनेटेड म्हणजे ज्याच्यामध्ये मिनरल्स असतात किंवा फूड्सचे विटॅमिन्स असतात, फूडमधले विटॅमिन्स असतात, जे आर्टरी जमा करून आपले हृदयापासून ते आपल्या बॉडीपर्यंत पूर्ण पुरवतात। धन्यवाद सर। दिस इज अ स्मार्ट विलेज डेव्हलप्ड इन अ रुरल एरियाज। This is a wind turbine. Wind turbine work on a simple instant. Wind turns the propeller and wind turbine make electricity. This is a government hospital. Government hospital for emergency services. And this is government school for education, upgrade education level. Good afternoon. My name is Sheikh Abdul Rahman. ये smart village है। ये ज़्यादातर ruling areas में रहता है। और इसके अंदर है पवन ऊर्जा जो कि हवा से टकराती है और गोल घूमती है और इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और यह है सोलार प्लेट, इसके ऊपर सूरज की रेन पड़ती है और इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और ये खेतों में और स्ट्रीक लाइट पर भी यूज़ होती है। और ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और यह है गवर्नमेंट स्कूल। थैंक यू। गुड आफ्टरनून सर, माय सेल्फ इज शेख शाहिद एंड ही इज माय फ्रेंड मुगीज। वी आर इंट्रोड्यूस टू द एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन एज अ प्रोटेक्टर। हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द क्वाड्रिलेटरल, द सम ऑफ All interior angles of quadrilateral is equal to the 360, and here we see this angle is 105, this is 75, and this is 90 degree is equal to 360.
द एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन एज अ प्रोटेक्टर. हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ द ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 एंड हियर दिस एंगल इज 105. This is 90 and this is also 75. Next is equal to, and here the angles of triangle BC, this angle is 50, this is 40 and this is 90, is equal to 180. The sum of the all interior angles of quadrilateral is equal to. Afternoon everybody, I am Sheikh Faisal from 9th standard. I made this project under the guidance of Mr. Khusro sir. Project name is hydraulic robotic arm. This project shows the hydraulic movement. This project focuses on the principle of hydraulic movement. To do that, we made a small scale demonstration of a hydraulic robotic arm. We managed to do some pretty cool tasks with our arm. Do check out the hydraulic robotic arm below for a better experience and understanding. Use 3 pairs of syringes to control the arm. 1 pair to open and close the claws, 1 to raise and lower the arm, and 1 to rotate the 90 degree arm. And also read the upper side of chart for better understanding. Thank you for hearing carefully. Use 3 pairs of syringes to control the arm, 1 pair to open and close the claws, 1 to raise and lower the arm, and 1 to rotate the 90 degree. Hello everyone, I am Azan from 9th standard and I am going to explain the excretory system in our body. Excretion is the removal of all toxic and unwanted waste products from the body. The human excretory system consists of pair of kidneys, pair of ureters, the urinary bladder and the urethra. Urine is formed by the kidney by separating the waste and the unwanted excess substance from the blood. Ship is a mean of water transport. There are 3 types of transport: land transport, water transport, air transport. Ship transport is one of them. The 3 main parts of ship are called hull as an engine room and window and seats arrangement. Many people can travel together. Ship have multiple decks and compartment. Good afternoon, sir. Our village is considered by a beautiful forest. There are so many mountains, trees and animals in the forest. People in our village depending on the agriculture, but farming feeling in so many problems like water and animals attack. Forest agriculture and water are depending upon each other. If we godly manage them, we can solve many problems of agriculture, forest, animal. The rainy season, we
store rainy water, we fill follow and their problems are water problem in farm and deforestation. हमारा वाटरफॉल है, ये बारिश का पानी जो ऊपर से आता है वो नालों में जमा होता है, नालों से कुएं और सेतड़े में जमा होता है और हम पानी को जानवरों को पिला सकते हैं और खेतियों में दे सकते हैं, हम इसके ऐसे यूज़ कर सकते हैं और जो जानवर को जानवर हमला करते हैं तो हमने इसके वास्ते जाली लगाई है। स्मार्ट सिटी ऑफ द फ्यूचर विल हैव ग्रेटर पावर डिमांड एंड वारंट an inventive approach to electrical infrastructure. Smart city project around the world of seeking urban smart energy solution. गुड आफ्टरनून, माय नेम इज मिसबाउलक, वेलकम टू मॉडल सिटी। मॉडल सिटी में ये सारी चीज़ें होना चाहिए, जैसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, शॉपिंग प्लाजा, पुलिस स्टेशन और गार्डन। रास्ता अच्छा और पक्का होना चाहिए। स्वच्छता का ध्यान रखना, जिसमें जगह जगह डस्टबिन होना चाहिए। स्ट्रीट लाइट की सुविधा उपलब्ध होना चाहिए। ट्रैफिक सिग्नल, सोलर प्लेट पेड़, जो कि हमें प्रदूषण यानी घटते है। इरीगेशन जब से प्रोड्यूस हुआ, जब से किसानों को बहुत बेनिफिट हुआ है। पहली बात, ड्रिप इरीगेशन से किसानों का टाइम बच रहा है और दूसरी पानी की भी बचत हो रही है, जिसे वह अपने दूसरे कामों में इस्तेमाल कर सकता है। लाइटिंग प्रोटेक्शन सिस्टम इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट अ स्ट्रक्चर फ्रॉम फायर, टू प्रिवेंट दैट पर्संस इन बिल्डिंग्स आर इंजर्ड और इवन किल्ड एंड टू प्रोटेक्ट डैमेज ड्यू टू लाइटिंग स्ट्रिक्स। अगर ये छत पर बिजली गिरी तो फिर वो घर को नुकसान नहीं होगा, वो तार की वजह से वापस पास होके जमीन में चल जाएगा। हमने इसलिए बनाया है क्योंकि वो जहाँ पर ज़्यादा बिजली गिरती है वहाँ पर कम बिजली गिरे और घर को नुकसान ना हो। थैंक यू। The sanitizer machine, when we come from other side place like market, it is this used machine. इसके अंदर एक पंप है, उसे सबमर्सिबल पंप कहते हैं। जब अपन बाहर से आते हैं तो ये बहुत यूज़फुल रहता है और इसके अंदर एक अपने यहाँ पर एक बटन है, उसे इलेक्ट्रिक पर सेट किया गया है और जब अपन हाथ धोते हैं तो उसके हाथ के जो बैक्टीरिया रहते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। गुड आफ्टरनून सर, ये हमारा वाटर फिल्टर है, ऊपर हमने पत्थर, कोयला और रेती के इस्तेमाल से हमने उसमें अगर पानी डाले तो नीचे पानी फिल्टर होके आएगा। थैंक यू। हार्वेस्टिंग इज द मेथड ऑफ स्टोरिंग रेन वाटर। वाटर फ्रॉम रेनफॉल इज स्टोर्ड इन डैम्स, वेल्स। दिस स्टोर्ड वाटर इज लेटर यूज्ड वेयर रेनफॉल इज अनसर्टेन। सर, ये हमारा सोलर सिस्टम है, हम सोलर सिस्टम के आजू बाजू अर्थ, वेन्यूस, मार्स ऐसे पृथ्वियों के नाम है जो कि हमारे अजंता न्यूज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।